आज भी जब कभी सुपरमार्केट में रखे अलग अलग तरह के पापड़ पर नजर पड़ती है तो हमें लिज्जत पापड़ की याद आ जाती है। इंडिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे लिज्जत पापड़ की जानकारी ना हो। लिज्जत पापड़ जितना पॉपुलर है उतना ही उम्दा है इसके सक्सेसफुल होने की कहानी। सात सहेलियों और हाउसवाइफ्स की तरफ से शुरू हुआ ये लिज्जत पापड़ आज सक्सेस और इंस्पिरेशन की कहानी बन गया है। इसके सक्सेसफुल होने के पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प है कि रिसेंटली बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने लिज्जत पापड़ की सक्सेसफुल स्टोरी को बड़े पर्दे पर उतारने का डिसीजन लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 80 रुपए से स्टार्ट होने वाला लिज्जत पापड़ कैसे 1600 करोड़ रुपए की कंपनी बन गया है। लिज्जत पापड़ का सफर 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर किया था। इसे शुरू करने के पीछे इन 7 औरतों का मकसद इंडस्ट्री शुरू करना या फिर ज्यादा पैसे कमाना नहीं था। इसके जरिए वो सिर्फ अपने परिवार के खर्च में अपना हाथ बटाना चाहती थी, क्योंकि ये औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए घर के बाहर जाकर काम करने में भी इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लिहाजा इन गुजराती औरतों ने पापड़ बनाकर बेचने का प्लान बनाया जिसे वो घर में रहकर ही बना सकती थी। जसवंती जमुनादास पोपट ने फैसला किया कि वो और उनकी 5 दोस्त पापड़ बनाने का काम शुरू करेंगी। उनके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ों को बेचने का जिम्मा सौंपा गया था। पापड़ बनाने का प्लान तो बन गया, लेकिन इसे शुरू करने के लिए अब जरूरत थी पैसों की। पैसों के लिए 7 औरतें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के चेयरमैन और सोशल वर्कर छगनलाल पारेख के पास पहुंची, जिन्होंने इन्हें 80 रुपए उधार दे दिए। 1959 में 80 रुपए की भी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। उन रुपयों से महिलाओं ने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीद ली और साथ ही पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाने के बाद उन्हें एक बड़े ट्रेडर के पास जाकर बेच दिया। इसके बाद ट्रेडर ने उनसे और पापड़ की डिमांड की। बस अब क्या था, इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई और अब बिक्री दिन दुनी 4 चौगुनी बढ़ती चली गई। इसके बाद छगन लाल ने स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने पापड़ की क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता ना करने की एडवाइस दी। साथ ही उन्होंने महिलाओं को अकाउंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग जैसी चीजों के बारे में भी ट्रेनिंग देने में मदद की। इन 7 महिलाओं का ये ग्रुप एक कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा गया। लिज्जत पापड़ के बिजनेस ने उस समय में उन्हें 6196 की एनुअल इनकम दी थी और देखते ही देखते इसमें हजारों औरतें जुड़ती चली गई। 1962 में ऑर्गेनाइजेशन का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। इसके 4 साल बाद यानी कि 1966 में लिज्जत को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर कर लिया गया। लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा खाखरा, मसाला और बेकरी प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया। सिर्फ 4 पैकेट बेचकर अपना सफर शुरू करने वाले लिज्जत पापड़ का टर्नओवर साल 2002 में 10 करोड़ तक पहुंच गया था। अभी के टाइम में इंडिया में इस ग्रुप के 60 से भी ज्यादा ब्रांचेज हैं, जिसमें लगभग 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, 2003 में देश के बेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री अवार्ड के साथ साथ 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरफ से ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। लिज्जत पापड़ की कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, बल्कि ये हर इंडियन वुमेन को प्राउड होने की अपॉर्चुनिटी देती है।